नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनोज कुमार है। गौरव कंप्यूटर ज्ञान में आपका स्वागत है। दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट एमएस एक्सेल के अध्याय में आज हम लोग सीखेंगे हाइपर लिंक। तो हाइपर लिंक क्या होती है दोस्तों? एक डॉक्यूमेंट को आप अटैच कर सकते हैं और वो डॉक्यूमेंट का आपको जरूरत पड़ेगी तो वहाँ पर क्लिक कीजिएगा, वो डॉक्यूमेंट आपके पास दिख जाएगा, व्यू उसका दिख जाएगा। तो चलिए मैं माइक्रोसॉफ्ट एमएस एक्सेल में हाइपर लिंक का उपयोग करने के लिए बताता हूँ। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पर एक्सेल लिखा और मैं एक पेज को ओपन कर लिया और मैं यहाँ से न्यू पेज पर और मैं यहाँ से क्या करता हूँ दोस्तों, ऐसे सेलेक्ट करता हूँ और इसको मैं ऑल बॉर्डर कर देता हूँ। ऑल बॉर्डर करने के बाद यहाँ पर देते हैं 1, 2, 3 और यहाँ पे सेलेक्ट करके इसका मैं अलाइनमेंट सेट कर लेता हूँ। और मुझे यहाँ पर अब मैं हाइपर लिंक का उपयोग बताता हूँ दोस्तों। तो आपको इक्वल टू हाइपर लिंक डबल क्लिक किए, इसके बाद कह रहा है लिंक लोकेशन। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ, माई पीसी पर भी क्लिक करता हूँ और मैं जाता हूँ एफ में और मैं यहाँ पर आता हूँ डीएल में और उसके बाद डॉक्यूमेंट। ठीक है दोस्तों, अब मेरे पास यहाँ पर आधार कार्ड है। यहाँ पर राइट क्लिक करूँगा और प्रॉपर्टी में जाऊँगा, सिक्योरिटी में जाऊँगा और यहाँ से इसको कॉपी कर लूँगा दोस्तों, कॉपी। अब इसका काम खत्म और यहाँ पर इन्वर्टेड कोमा लगाएं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद मैं कंट्रोल भी करूँगा, वो डाटा को पेस्ट किया, फिर हम ऊपर लगाता हूँ इन्वर्टेड कोमा, फिर कोमा, फिर मैं आपको लगाऊंगा इन्वर्टेड कॉमा। उसके बाद कह क्या रहा है, लिंक लोकेशन हो गया, उस पर नेम कह रहा है। तो मैं यहाँ पर नेम टाइप कर रहा हूँ, आधार कार्ड। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा और ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद मारूंगा मैं इंटर। तो देखिए यहाँ पर आधार कार्ड मेरे पास आ गया है। उसके बाद यहाँ पर मैं फिर क्लिक करूँगा और फिर मैं हाइपर लिंक उसी तरह से डबल क्लिक किया, फिर लिंक लोकेशन। ठीक है दोस्तों, अब मैं लेता हूँ फोटो, प्रॉपर्टी, सिक्योरिटी, पूरा डाटा को मैंने कॉपी किया और मैं फिर यहाँ पर मैंने क्लिक करता हूँ शिफ्ट इन्वर्टेड कोमा दिया, कंट्रोल भी दिया, इन्वर्टेड कोमा कोमा इन्वर्टेड कोमा। उसके बाद कह रहा है नेम, तो मैंने लिया है फोटो, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फोटो इन्वर्टेड कॉमा ब्रैक क्लोज ब्रैकेट इंटर। उसके बाद मैं एक और डॉक्यूमेंट को लेता हूँ, हाइपर लिंक। उसके बाद मैं जाऊँगा, अब मैं फिर एक और लेता हूँ, मैं पेन कार्ड लेता हूँ, पेन कार्ड राइट क्लिक, प्रॉपर्टी, सिक्योरिटी, ऑल डाटा कॉपी करेंगे इस तरह से, कॉपी, यहाँ पर क्लिक कर देते हैं इन्वर्टेड कोमा, कंट्रोल भी, इन्वर्टेड कोमा कोमा इन्वर्टेड कोमा, हम क्या लिए हैं, पेन कार्ड। ठीक है, पेन कार्ड इन्वर्टेड कोमा और क्लोज ब्रैकेट और इंटर। अब मुझे आधार कार्ड की मुझे जरूरत है, तो डायरेक्ट इस पर मैं जैसे क्लिक करूंगा तो देखिए मेरे पास आधार कार्ड आपको आ गया। ठीक है दोस्तों, अब मुझे फोटो की जरूरत पड़ता है, जैसे इस पर मैं क्लिक करूंगा तो देखिए मेरे पास फोटो आ गया। अब मुझे पेन कार्ड की जरूरत है, तो यहाँ पर जैसे मैं क्लिक करूंगा तो मेरे पास पेन कार्ड आपको आ गया। तो इस तरह से आप हाइपर लिंक का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, एक और मैं तरीका बता देता हूँ, यहाँ पर मैं क्लिक किया, फार्मूला में जाऊँगा, इंसर्ट फंक्शन में जाऊँगा और हाइपर लिंक, उसके बाद मैं ओके। ठीक है, लिंक लोकेशन कह रहा है, तो लिंक लोकेशन में हम लोग फिर से आते हैं आपके आधार कार्ड, प्रॉपर्टी और यहाँ से इसको हम कर लेंगे कॉपी। कॉपी करने के बाद और यहाँ पर हम इसको मारते हैं, सीधे पेस्ट मारेंगे। ठीक है,
इसके बाद कह रहा है कि नेम, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्लिक करूँगा और मैं नेम लिखूँगा आधार, आधार कार्ड, उसके बाद करूँगा ओके। अब मुझे आधार कार्ड की होगा ज़रूरत तो डायरेक्ट इस पर क्लिक करूँगा, तो देखिए आधार कार्ड आपको आ गया, बहुत ईजी है, ठीक है। इसी तरह से आप एक और मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे फिर जाएंगे इंसर्ट फंक्शन में जाएंगे, हाइपर लिंक ढूंढेंगे, यानी यहाँ टाइप कर देंगे, ठीक है, हाइपर लिंक ऊपर ही है, ओके। और फिर मैं अपना डॉक्यूमेंट को ओपन कर रहा हूँ, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए हमको, चेक चाहिए या फिर फोटो चाहिए या पासबुक चाहिए, कुछ भी चाहिए। तो चलिए मैं फ़ोटो पे ही क्लिक करता हूँ, ऐड क्लिक, यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे कॉपी, ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे मारेंगे पेस्ट, यहाँ नाम पूछ रहा है, तो नाम में हम लोग इसको देते हैं फोटो, उसके बाद करेंगे ओके, क्लिक करेंगे, जब हमको फोटो की जरूरत पड़ेगा यहाँ फोटो आपके सामने। तो इस तरह से हाइपरलिंक का उपयोग करेंगे दोस्तों, हाइपरलिंक से आप उसको लिंक कर देंगे तो कभी भी आपको जरूरत पड़ेगा तो आपको वहाँ ढूंढने नहीं पड़ेगा, माई कंप्यूटर ओपन जाके ढूंढने, ऐसे कोई चीज़ आपको ढूंढना है माई कंप्यूटर में डी में रखे हैं कहाँ रखे हैं तो ढूंढना पड़ेगा, लेकिन डायरेक्ट इससे लिंक कर दीजिएगा तो एक बार वहीं पर क्लिक कीजिएगा तो आप उस पेज पर जाके आप उसको देख सकते हैं। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।